हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। मैं एक्सपोजर लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग बहुत ही शानदार मिला, बहुत ही अच्छा लिस्टिंग मिला। इसकी आज के डेट की जीएमपी देखे तो 242.42 पर प्रीमियम के साथ 80 रूपए जीएमपी थी और अनलिस्टेड मार्केट में 242 पर 113 पर ट्रेड कर रही थी। कट ऑफ प्राइस 33 रूपए है, लेकिन उसके अगेंस्ट में लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिला है। 145 पर इसकी ये लिस्ट हुआ है, पर शेयर 112 रूपए का बेनिफिट हुआ है और परसेंट परसेंटेज वाइज बात करें तो 300 लगभग 340% की बेनिफिट हुई है, यानी कि 340% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ है। 3.5 गुना का रिटर्न दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त का लिस्टिंग गेन दिया है। जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिला है। हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था 2 गुना 3 गुना का लिस्टिंग गेन दे सकती है, क्योंकि जीएमपी लगातार उछल रही थी। इसकी बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है, काफी यूनिक बिजनेस मॉडल है। आने वाले समय में इसके पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को विस्तार करने के लिए, तो इसमें लिस्टिंग गेन बहुत ही अच्छा मिला है। यहाँ पे देखेंगे तो तेजी से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, 5% लोअर सर्किट के साथ क्लोज हुआ है और ये लगातार 2 से 3 दिन लोअर सर्किट लगाने वाला है। तो अभी जो इस आईपीओ के लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, तो अभी यहाँ पर देखेंगे लिस्टिंग के बाद 5% यहाँ पर लोअर सर्किट लगा है। तो अभी जिस पॉइंट पर लिस्ट हुआ है उस पॉइंट से 25% नीचे या फिर जो प्राइस यहाँ पर चल रही है उस पॉइंट से यहाँ पर 20% नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगाए हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रही है 110 से 105 के रेंज में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर रही है तो यहाँ से आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोअर सर्किट में निकला है। तो यहाँ पर लगातार 2 से 3 दिन लोअर सर्किट लगाते जाएगा, फिर इसके बाद क्योंकि मार्केट प्राइस 90 डिग्री एंगल में कभी मूव नहीं करता है, तो 2 से 3 दिन लोअर सर्किट लगाने के बाद फिर एक बार उछाल लेगा। अगर जो उछाल लेने के बाद फिर से अगेन जो लो लगाए उस लो का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे फिर चांसेस हाई है कि ये डाउनफॉल में चला जाएगा, बड़ा डाउनफॉल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो उछाल लिया इस लो को मेंटेन करते रहता है, यहाँ पे फिर आने वाले समय में एक बाइंग का मोमेंटम दिखाती है, हाई फॉर्मेशन बनाती है, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम और कैप्चर हो सकती है। लिस्टिंग गेन पर 3.5 गुना रिटर्न दे चुकी है, बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन दे चुका है और जो इतने में संतुष्ट हैं वो लोग यहाँ से आउट हो गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर लोकेशन के लिए होल्ड करना चाहती है इस आईपीओ को, तो यहाँ पर 20 जिस प्राइस पर भी ट्रेड करे उस प्राइस से 20% नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस का रेंज है 111 से 105 के रेंज में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इस रेंज के नीचे निकलना स्टार्ट कर दे तो यहाँ से फिर फुल क्वांटिटी आउट कर देना चाहिए। आई थिंक सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।